Hello students, welcome to our channel. So we are going to discuss some remaining questions of exercise 5.1, that is continuity. So let's start from question number 23. Find all points of discontinuity of f where f of x is equal to this. क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि क्या है फंक्शन, क्या है फंक्शन. देखो, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है या फंक्शन कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है. तो उसने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखो. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर, फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स If x is less than 0, x plus 1 if x is greater than equal to 0. अगर x less than 0 है, it means ये हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, ये क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे और फंक्शन के लिए लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 तो हम ये लेते हैं जहाँ फंक्शन ये ब्रेक होता है, जिस पर चेक करना होता है. एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या लेंगे 0 नेगेटिव पर, साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स. लेकिन साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, 1, 0 मत पुट करना, साइन 0 बाय 0, साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है, 1. ये हम कहाँ पढ़ के आए थे, प्लस 1 क्लास में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, 13 चैप्टर. देखो क्या होता है, साइन जो यहाँ फंक्शन होता है वही नीचे होना चाहिए. तो साइन एक्स बाय एक्स 1, अगर यहाँ साइन 2x होता, साइन 2x तो नीचे क्या होना चाहिए था, 2x, तब भी 1 होता. यानी कि साइन के साथ जो ये एंगल है अगर वही नीचे है तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 1 आता है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1, क्योंकि साइन x बाय एक्स पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाद में लिमिट पुट करते हैं. तो अब क्या 1 में 0 पुट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कोई वेरिएबल होता इन टर्म्स ऑफ x तो उसमें 0 पुट करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 1. अब देखो x आ रहा है, इसमें क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1. फंक्शन के लिए f ऑफ 0 डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, दैट इज 1. एज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. तो फंक्शन कैसा आया, कॉन्टिन्यूस आया. क्या हमारे पास कोई डिसकॉन्टिन्यूस आया, नहीं आया. लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सारे के सारे पॉइंट्स निकालने हैं. तो हम यहां क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, There is no point of discontinuity. Discontinuity का हमें कोई पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर. Determine if f defined by is a continuous function. हमें क्या चेक करना है, अगर f इस पॉइंट पर डिफाइंड है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. f of x is equal to x square sin 1 by x if x is not equal to 0, 0 if x is equal to 0. अगर x की वैल्यू 0 है, यानी फंक्शन पर चेक करने के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 0. अगर x is not equal to 0 है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि 0 के लिए तो ये वाला फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन रखा x square साइन 1 बाय एक्स. अब देखो 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहां अगर साइन x बाय एक्स होता तब 1 होता ना, तो 0 पुट किया, यहां 0 लगने से ये फंक्शन कैसा हो गया, 0, 0 into something 0 हो गया, आंसर 0 आ गया. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. फिर से यहां अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. वैसे भी यहां अगर 0 नहीं रखना, क्योंकि 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है,
तो इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर यहाँ कुछ भी आ जाए, अगर एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, जीरो। जीरो हम ये इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, इसकी वैल्यू हम जीरो नहीं ले रहे, ब्रैकेट की वैल्यू। एफ ऑफ जीरो वैल्यू तो एज इट इज गिवन थी जीरो, एज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, राइट हैंड लिमिट लिखो या फंक्शन लिखो, तीनों इक्वल आ रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप पहले मेंशन कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ लिखा है ये, आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि के की वैल्यू, किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया था, तो क्वेश्चन क्या देगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस देगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स बाय पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू एंड थ्री इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो फंक्शन किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। नहीं भी गिवन होता तब भी हमें यहां से पता लग रहा है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू फंक्शन पर, तो ये हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, थ्री। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू है। ध्यान से देखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव, पाई बाय टू नेगेटिव, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ये फंक्शन रखेंगे के कॉस एक्स बाय पाई माइनस टू एक्स, सॉरी, इज इक्वल टू लिमिट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, एच पुट करते हैं, और एच किस में पुट करते हैं, मॉडुलस वाले फंक्शन में पुट करते हैं। सारे क्वेश्चंस में हम एच पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप करना चाहो कर भी सकते हो, नहीं तो वैसे भी हो जाते हैं। लेकिन हम किस किस में पुट करेंगे, मॉडुलस वाले फंक्शन में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब बाकी के क्वेश्चन हमारे सिंपली सॉल्व हो रहे हैं तो हम उनको ऐसे ही कर लेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एच पुट कर रहे हैं, अगर एच पुट करते हैं तो ये जो लिमिट्स है क्या होगी, एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ जो भी दे रखा हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमेशा एच किसको टेंड करेगा, जीरो को, के रखा, कोस रखा, अब के की जगह मत वो पुट करके आ जाना जीरो माइनस एच। वैल्यू कहाँ पुट होगी, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, सॉरी पाई बाय टू माइनस एच, क्योंकि ए की वैल्यू टेंड्स किसको करवा रहा है, एक्स पाई बाय टू को, तो पाई बाय टू माइनस एच पुट करेंगे। ए माइनस एच पुट करते हैं ना, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए होता है तो। देखो के तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, वैल्यूज कहाँ पुट होती है, जहां वेरिएबल होता है, एक्स होता है, कॉस एक्स की जगह रखा पाई बाय टू माइनस एच, पाई एज इट इज माइनस टू, एक्स की जगह क्या रखा पाई बाय टू माइनस एच, क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो के पाई बाय टू माइनस एच। ये आपका प्लस वन क्लास का कंसेप्ट है। अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर होता है, आपको पता है यहाँ जीरो डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 270 डिग्री, यही होता है। जीरो डिग्री जीरो है, 90 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाय टू, 180 को क्या बोल सकते हैं, पाई, 270 को 3π/2 और इसको फिर से 2π, यानी कि जीरो पर, 2π पर, पाई पर, नो चेंज ऑन द एक्स एक्सिस। चेंज कहाँ होगा, पाई बाय टू पर या 3π/2 पर, तो पाई बाय टू पर तो चेंज होता है, पाई बाय टू पर चेंज होता है। कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो गया। पाई बाय टू से हमने क्या देख लिया कि कोस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब पाई बाय टू से कुछ माइनस हो रहा है, पाई बाय टू यहां आता है, पाई बाय टू में से कुछ माइनस हो रहा है, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। आपने थर्ड चैप्टर किया होगा प्लस वन क्लास में, अगर आपको ये नहीं पता, ये जो भी कंसेप्ट है मैं इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स। तो के एज इट इज कोस चेंज हुआ, साइन आ गया, पाई बाय टू में से कुछ चेंज हो रहा, सॉरी माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए
पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और h यहां हमने एंगल थीटा रख दिया, पाई माइनस 2π/2 माइनस h, देखो क्या किया, पाई माइनस ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसके आगे प्लस का साइन था, बाहर माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, h से, 2 इंटू h, 2h, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना रह गया, 2h, 2h रह गया। अब h की वैल्यू क्या पुट करनी है, देखो ये देखते ही हमें पता लग रहा है ना, साइन h बाय h किसके इक्वल होगा, 1, साइन h बाय h किसके इक्वल होगा, 1 के, और ये क्या रह गया, 2 k बाय 2, k बाय 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, k बाय 2 ही तो रहेगा। ये जो हमारी कंडीशन होती है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है साइन एच बाय एच वन होता है, साइन एक्स बाय एक्स वन होता है, साइन टू एक्स बाय टू एक्स वन होता है, साइन थ्री एक्स बाय थ्री एक्स वन होता है। ये कब कंडीशन फॉलो होती है, अगर लिमिट दे रखी है, अगर एच की बात कर रहे हैं तो एच जीरो को टेंड करवाना चाहिए, अगर एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, अगर वाई की बात कर रहे हैं तो वाई टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो भी ये फंक्शन आ रहा है, जो भी ये यहाँ वेरिएबल आता है, वैल्यू आती है, एंगल आता है, वो किसको टेंड करवाना चाहिए, ये जीरो को टेंड होना चाहिए। इज इट क्लियर। अब हमने ये वैल्यू निकाल ली, अब क्या निकालने, साइन पाई बाय टू की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 3, कॉन्टिन्यूटी होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट हमने क्यों नहीं निकाली, निकाल लो, सेम वैल्यू आनी है बिल्कुल, तो कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए, के की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी दो इक्वल ले सकते हैं, as f of x is continuous at x is equal to pi by 2, function continuous है, therefore ये दोनों equal हो जाएंगे, इसकी value k by 2, इसकी value 3, 2 जो जिसकी value निकालनी होती है, अगर उसके denominator में कुछ होता है वो multiply में चला जाता है, divide में कुछ होता है तो वो दूसरी side multiply में चला जाता है, तो k की value कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई doubt आ रहा है तो आप comment कर सकते हैं। 28th question, 28th क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन की वैल्यू इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, लेक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई है, यानी कि ये किस किस के लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एंड फंक्शन के लिए ये वैल्यू है, इज इक्वल टू इसमें आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही वैल्यू है और फंक्शन के लिए भी यही वैल्यू है, एक्स इज ग्रेटर देन पाई इट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है, एट एक्स इज इक्वल टू पाई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू पाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए kx प्लस 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू पाई पुट करेंगे, k पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट ले ली, क्यों, देखो अब आप कहोगे पिछले क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन लिया था, इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों लिया, अगर यही फिर से वैल्यू ले लूं, फिर से यही आएगा तो क्या रखूंगी इक्वल, कुछ वैल्यू आएगी ही नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, cos x होगी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसमें क्या पुट करेंगे, पाई प्लस एच, क्योंकि जो लिमिट्स को टेंड करवाता है वही रखते हैं, दैट प्लस एच, प्लस एच क्यों रखा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट थी इसलिए प्लस एच रखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में वो वैल्यू माइनस एच रखते हैं और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू प्लस एच रखते हैं, और अगर एच आ गया, जैसे हमने एच लिखा, हम किसको टेंड करवाते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, कोस पाई प्लस एच, कोस पाई प्लस एच, कोस पाई, फिर से वही पाई यहां आता है, पाई, पाई पे नो चेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कुछ भी चेंज नहीं होता, अगर एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होता तो कोस का तो कोस आ गया, पाई में कुछ ऐड हो रहा है, इट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होता है, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो पाई में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहां क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, और एच को जीरो पुट करवाएंगे तो कोस जीरो, कोस जीरो वन, देखो नेगेटिव साइन है, कोस जीरो, एच को जीरो पे इक्वल ट्रेंड करवाएंगे ना, एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, इट मीन्स कोस जीरो कितना आ रहा है, वन आ जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस वन, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू पाई पर दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, प्लस का वन उस साइड जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका, माइनस का, प्लस 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 होता है, साइन प्लस का, माइनस माइनस
प्लस होता है साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है साइन ग्रेटर नंबर का, माइनस प्लस माइनस होता है साइन ग्रेटर नंबर का। यानी कि अगर दोनों साइन सेम सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो क्या करते हैं इनको प्लस प्लस करते हैं। अगर प्लस प्लस है तो साइन भी प्लस का आता है, माइनस माइनस है तो साइन किस चीज का आता है, ये साइन है, साइन माइनस का आता है। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का, और अगर माइनस प्लस है तो भी माइनस का आएगा, और हमेशा इन दोनों में क्या देखते हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस, और साइन किस चीज का, माइनस का। तो पाई वैल्यू तो के की फाइंड आउट करनी थी, तो पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा, डिवाइड में आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2/π। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन 3x-5, इसकी वैल्यू x इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5, इट मींस फंक्शन के लिए भी यही वैल्यू लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही वैल्यू लेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे, 3x-5 एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव kx प्लस 1 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, k 5 या 5k प्लस 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए 3x-5 फंक्शन लेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 3 5 50-5 दैट इज 10 आ गया। फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है x इज इक्वल टू 5 पर, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, माइनस 1 उससे हट जाएगा तो प्लस का 1 उससे हट जाएगा, माइनस का 1 आ गया, 9 आ गया, 5k के साथ मल्टीप्लाई में इसलिए ये क्या आ गया, डिवाइड में। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5 वैल्यू आ गई। ये इतने जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लास्ट वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, ये हमें फंक्शन दे रखा है। देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है क्योंकि आपने प्लस वन क्लास में क्या सीखा क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। फॉर्मुलेज होने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो लास्ट के ट्रिग्नोमेट्रीज भी यूज होंगी, लेकिन जो भी यहाँ टर्म्स यूज हो रही हैं, जो भी फॉर्मूलाज यूज हो रही हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन यही लेंगे और राइट हैंड लिमिट पर भी फंक्शन यही लेंगे। तो एक बार लेफ्ट पर ले लो या राइट पर ले लो, ये ले लेते हैं और एक फंक्शन ले लेते हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्या रखेंगे फंक्शन, साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x रखेंगे। मैंने आपको कहा, क्या बताया था, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए इन टर्म्स ऑफ h रखेंगे, x टेंड करवा रहा है 0 को, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 0 माइनस h, और यहां भी माइनस कोस 0 माइनस एच, एक्स एक्स जहां था वहां क्या पुट कर दिया, 0 माइनस एच, और जैसे ही एच पुट किया, एच किसको टेंड करवाएंगे, 0 को, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये, साइन 0 माइनस एच, यानी कि क्या हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन में अगर माइनस होता है तो आंसर भी माइनस में आता है, यानी कि फॉर्मूला भी माइनस में होता है। कोस ए माइनस बी में अगर यहाँ माइनस होता है तो ये किस में आता है, प्लस में आता है। देखो साइन जीरो जीरो इंटू कोस एच, कोस जीरो वन इंटू साइन एच, कोस जीरो वन इंटू कोस एच प्लस साइन जीरो जीरो इंटू साइन एच, कितना रह गया, माइनस साइन एच माइनस का कोस एच, जीरो पुट किया, जीरो पुट किया साइन जीरो कॉस जीरो, यही लिखेंगे, एच की जगह जीरो पुट किया, साइन जीरो तो खत्म ही हो गया, जीरो होता है, और माइन कॉस जीरो कितना होता है, वन, और इसके आगे माइनस का साइन है क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, तो कितना आ गया, माइनस वन, आंसर कितना आया, माइनस वन, यही आएगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं तब भी वही आ जाता है, लेकिन जो हम हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एच लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एच पुट करेंगे तो भी उससे हो रहा है। और अगर आपको इतना बड़ा भी नहीं करना तो क्या करो, डायरेक्ट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस एच माइनस कोस जीरो माइनस एच माइनस एच, यही होगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ माइनस एच,
साइन ऑफ माइनस एच एक्सरसाइज 3.3 ऑफ प्लस वन क्लास, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स में हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके माइनस बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोस का और सीकेंट का माइनस, अगर कोस ऑफ माइनस एक्स है तो खत्म हो जाता है कोस एक्स आता है, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स होता है तो वो भी खत्म होकर सीकेंट एक्स आ जाता है, बाकी साइन कोसिकेंट टेंजेंट और कोट के साइन बाहर आ जाते हैं और इनके खत्म हो जाते हैं। तो देखो कोस ऑफ माइनस एच हो गया, तो यहाँ क्या बचा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो गया साइन एच, माइनस कोस ऑफ माइनस एच, कोस ऑफ माइनस एच जो इसका माइनस होता है एंगल के साथ वो तो खत्म हो जाता है, क्या आएगा कोस एच, यही आएगा। तो यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो को एच टेंड करवा देते हैं, माइनस साइन जीरो माइनस कोस जीरो, ये तो साइन जीरो जीरो हो गया, माइनस कोस जीरो कितना हो गया वन, क्योंकि इसके आगे माइनस वन था तो इसलिए आंसर कितना आ गया माइनस वन आ गया। क्लियर हो रही है बात? देखो कंसेप्ट तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, या तो अगर आप इससे करना चाहो इसमें भी कंसेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है कि बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन बाहर आ जाता है लेकिन कोस और सीकेंट का जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ माइनस साइन खत्म नहीं करोगे तो ये प्लस का वन आंसर देगा और आपका जो आंसर है फिर वो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। तो और माइनस का साइन कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है, वो तो वैसे भी जीरो बन रहा है, जीरो के आगे प्लस या माइनस कोई मैटर नहीं करता, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, f ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस वन कितना हो गया, एज लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ जीरो, देयरफॉर फंक्शन क्या आ गया कॉन्टिन्यूस आ गया, किस पॉइंट पर जीरो पर। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आ गया और आप इसमें सिंपल यहाँ जीरो जीरो पुट करके आ रहे हैं कि हमारा आंसर तो माइनस वन आ रहा है और ये रखा दो स्टेप में करके आ रहे हैं, कि आपको 4 मार्क्स देगा एग्जामिनर, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन लिखने की प्रेजेंटेशन है बिल्कुल खराब है, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कई बार क्या होता है हमारे पास बहुत बड़ा आंसर होता, हमें बहुत सॉल्यूशन होता हमें, और वो 2 मार्क्स में दे रखा है तो उसके स्टेप्स काट के लिखने पड़ते हैं, कितने कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है उस हिसाब से हमें अटेम्प्टेशन करनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। क्या करना है हमें, कोसाइन की कोसिकेंट की सीकेंट की एंड कोटेंजेंट फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखो कोसाइन, इसको कोसाइन भी बोलते हैं, इसको हम कोस भी लिखते हैं, कोस भी बोल देते हैं, कोसाइन भी बोल देते हैं, तो कोस आधे बच्चे तो इसको देखकर ही डर जाएंगे कि ये तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग ही टाइप के आ गए, ये तो हमने पढ़े ही नहीं। तो कोसाइन को क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। लिमिट, अब उसने कहा कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कॉन्टिन्यूटी यानी कि कोई भी किसी भी पॉइंट पर चेक करते हैं, अगर हमें जनरल वैल्यू निकालनी होती है, जनरल वैल्यू इन द सेंस कि प्लस वन क्लास में आपने 4th चैप्टर पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्यों करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पहले हम 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर k के लिए प्रूव लेट करके चलते हैं, फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, इजी सा चैप्टर था, तो क्यों करते हैं हम उसको जनरलाइज प्रूव करते हैं, कि जनरल प्रूव करते हैं, अगर हमें कभी भी जनरल प्रूव करना होता है कि वो चीज हर एक के लिए ट्रू है तो हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेके चलते, हम हर एक के लिए लेके चलते हैं। जैसे a ले लिया, अब a यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन लिया राइट हैंड लिमिट, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फंक्शन क्या लेंगे cos x, तो a पुट किया cos a, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यहाँ फिर से क्या रहा cos a, इसमें वो वैल्यू नहीं अप्लाई हो रही, अब वो कंसेप्ट नहीं लग रहा कि cos का माइनस खत्म हो गया, यहाँ तो वैसे भी ये सिर्फ माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, कभी आप इसमें भी वही कंसेप्ट घुसा दो, f ऑफ a फंक्शन पर वैल्यू ली cos a, तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, फंक्शन कैसा हो गया कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली यही है, मैं आपको ये बता देती हूँ, कोसिकेंट को हम ऐसे लिखते हैं, सीकेंट ये सीकेंट हो गया, कोटेंजेंट को कोट, इस कोट को कोटेंजेंट भी बोलते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, वो अलग बात होती है कि रट्टा मारने वाली बात हो जाती है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं तो बस ऐसे करो और काम खत्म करो, फिर आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। दीज आर ऑल सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यू है और एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, ये सारे के सारे सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैसी होती है
कॉन्टिन्यूस होती है, शायद मैंने लिखवाया होगा। फर्स्ट पेज पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन, जिस भी डोमेन में वो डिफाइंड होती हैं तो उस पर कैसी होती हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू पाई पर, देखते हैं, चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स, पाई ले लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव सेम वैल्यू आनी है एफ ऑफ एक्स, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, अगर हमें ये ए की वैल्यू दी होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था या उससे लास्ट में बताया था, आपने देखी होंगी, तो क्या करते हैं हम फंक्शन ले लिया, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेते, फंक्शन ले लिया। अब जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आई तो हम क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे। अब एच ये तो है नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा उसके आसपास में नहीं पुट करेंगे, तो एक्स यहां भी है तो हम यहां भी पुट कर देंगे, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स की जगह रखा पाई माइनस एच और प्लस फाइव, जैसे ही एच रखा हमने एक्स को, सॉरी एच को कहां टेंड करवा दिया, जीरो पर टेंड करवा दिया, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए क्या है पाई, बी क्या है एच, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू पाई एच माइनस साइन पाई माइनस एच, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला एग्जाम क्वेश्चन नंबर 25 में भी किया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस फाइव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू पाई एच माइनस, क्या पुट करेंगे, देखो साइन पाई की वैल्यू जीरो, साइन पाई की वैल्यू जीरो कैसे आई, साइन पाई की वैल्यू जीरो कैसे आई, इसका भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, देख लेना वहां से किसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन पाई जीरो, कोस एच माइनस कोस पाई माइनस वन होता है, साइन एच प्लस फाइव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू पाई एच माइनस, देखो जीरो को कोस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि ये क्या रह गया साइन एच प्लस का साइन एच, और बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस साइन एच प्लस फाइव, पाई स्क्वायर एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो, एच को जीरो पुट किया, एच को जीरो पुट किया, एच को जीरो पुट किया, साइन जीरो जीरो प्लस फाइव क्या रह गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव, और अगर हम डायरेक्ट पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तब भी यही आ रही है पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, साइन पाई जीरो पाई स्क्वायर प्लस फाइव, एज लिमिट दिस एंड दिस इज आर इक्वल्स देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस एक्सरसाइज के लिए हमारी एक और वीडियो बनेगी, क्वेश्चन नंबर 19th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो बाकी के जो 5-6 क्वेश्चंस रह गया हमारे छोटे छोटे हैं, 31, 32 जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस हैं, और 19 एंड 20 तो हो गया है, देखते हैं बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, थैंक यू।